बीएसपी से ही सवाल करूंगा कि इस देश के अंदर जितने भी नेता होते हैं वो अपनी मांगों को धरने प्रदर्शन के जरिए कहते हैं, लेकिन बीएसपी के कभी भी लोग धरने प्रदर्शन नहीं करते हैं, उसका क्या विशेष कारण है? देखिए, मानव कांशीराम साहब ने जब 78 में वामसेफ नाम का एक संगठन बनाया, वामसेफ मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, उन्होंने जब ये संगठन बनाया तो उस समय पे इस संगठन के मूल विचारों के बारे में बात की, किस आधार पे बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस विल बी ए नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल बी ए नॉन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन एजुकेशनल का क्या मतलब हो रहा है? और उसके साथ एक तीसरा था, वो था नॉन रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन एजुकेशनल, नॉन रिएक्शनरी, नॉन रिलीजियस। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई दूसरे लोग कुछ करते हैं और हम रिएक्ट करेंगे, हम खुद अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हमें रिएक्ट करने वाला नहीं बल्कि एक्ट करने वाला समाज बनाना है। हम एजुकेशन नहीं करेंगे, हम एजुकेशन करेंगे इसका मतलब ये है कि भाई दूसरे लोग अत्याचार कर रहे हैं और हम एजुकेशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे अपने समाज को मांगने वाला समाज नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा बीड़ा मतलब संकल्प ये है कि हम मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बनाना चाहते हैं। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बीएसपी ने भी अपने आप को लंबे समय तक जोड़ के रखा कि हम धरने प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम अपने मांग पत्र नहीं देते हैं बल्कि शासन प्रशासन में आएंगे, देश की सत्ता पे आएंगे और अपने समाज की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से शासन प्रशासन को चलाएंगे। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब धरने प्रदर्शन होते हैं तो उसमें सरकारें हमारे युवाओं को फंसा देती हैं, उनको जेल में डाल देती हैं, उनको डरा देती हैं। आप 2 अप्रैल वाला केस देख लीजिएगा, 2 अप्रैल वाले केस में हमारे कई युवाओं की हत्याएं की गई, कई युवाओं को कई क्या मतलब सैकड़ों युवाओं की बहुत ज़्यादा पिटाई की गई और वो अभी भी भागे भागे फिर रहे हैं। दुष्परिणाम इसका ये हुआ कि यूथ के अंदर एक डर बैठने का खतरा रहता है। जी, माननीय कांशीराम साहब ने अपने आंदोलन को कहा कि हमें किसी भी रूप में अपने समाज के मनोबल को नहीं गिराना है। वो लाखों लोगों की रैलियाँ बनाते थे, जो लाखों लोग जो हैं उनकी रैलियों में आ रहे थे और हर व्यक्ति जो गांव में कमजोर है, जो अपने आप को अकेला मानता था, जब वो इस रैली में पहुंचता था तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी लाखों करोड़ों लोग हैं। तो वापस जाके उसका मनोबल आसमान पर पहुँच जाता था। माननीय कांशीराम की रणनीति समाज के मनोबल को बढ़ा के उसको एक सशक्त कार्यकर्ता बनाने की थी। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास ना पुलिस है, ना हमारे पास न्यायपालिका है, ना हमारे पास पैसे हैं, तो आमतौर पे इन दंगे फसाद में हम अभी उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सरकार को अपने तरफ करना चाहिए, हमें सरकार अपनी बनानी चाहिए। जब सरकार आपकी होगी तो फिर आपके खिलाफ कोई फालतू के मुकदमे नहीं दायर कर सकता, आपको कोई जो है फंसा नहीं सकता। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो मछली की आँख है, क्योंकि बाबा साहब ने 1927 में इस बात को कहा कि भाई हमारे खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहे हैं, हमारे खिलाफ अत्याचार इसलिए हो रहे हैं, अब से 90 साल पहले उन्होंने कहा, 92 साल पहले कहा कि हमारे खिलाफ अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे लोग ही पुलिस में नहीं है, पुलिस में जो है हमारी कंप्लेन नहीं लिखी जाती तो बचाएगा कौन? अगर हम पुलिस में हो, पुलिस कप्तान हमारे हों और पुलिस कप्तान चीफ मिनिस्टर हमारे हों तो फिर सब लोग हमारे बचाएंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आ जाती है, सारे के सारे जो अपराधी हैं वो नेपाल भाग जाते हैं, सारे के सारे अपराधी जो हैं अपने घरों में दुब जाते हैं। तो इस तरीके से कुशल शासक प्रशासक बन के आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक सैद्धांतिक निर्णय है जो बहुजन समाज पार्टी ने लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी समय समय पर हो रहे अत्याचार या अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाती है, वो अपनी आवाज़ भी उठाती है। आंदोलन भी उन्होंने लंबे चौड़े किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि माननीय कांशीराम साहब ने ही बरेली में एक बड़ा आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारी बस्तियों में इन लोगों ने आमतौर पर शराब के ठेके खोले हुए हैं, अपनी बस्तियों में इन्होंने या तो मंदिर बनाए हुए हैं या अपनी बस्ती में इन्होंने शिक्षा स्कूल बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बस्तियों में आप शराब के ठेके और अपने यहाँ पे स्कूल खोलते हैं, हमारे यहाँ स्कूल खोलिए, अपने यहाँ पे शराब के ठेके खोलिए, तो गांधी पुत्र के नाम से गांधी पुत्र होश में आओ, शराब ठेकों को बंद करो, ये उन्होंने आंदोलन चलाया। उसके बाद 86 में आप जानते हैं कि 180 दिन पार्लियामेंट को का घेराव बहुजन समाज पार्टी ने किया। वो घेराव किस लिए था? वो घेराव था देश में
मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए। उस समय पे देश के बहुत सारे लोग मंडल कमीशन क्या चीज है जानते भी नहीं थे। इन्होंने इतने लंबे समय तक, और बहन कुमारी मायावती भी उसमें बहुत मजबूती से लगी हुई थी, उस आंदोलन को उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया। 180 दिन तक पार्लियामेंट का घेराव किया, वोट कलर पे उस समय पे लोग बैठ गए थे, और बड़े बड़े भाषण वहाँ पे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ पे होती हुई, लगातार उस तरह का प्रदर्शन हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ से जो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं उन पे काम करती रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार कहीं पे हत्याएं हो जाती हैं, कहीं पर अत्याचार हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं जाते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने ये कहा था कि मेरे समाज की रोज पिटाई होती रहती है, अगर मैं इनको इनको जाके सांत्वना देता रहूँगा, वहाँ पे जाके इनसे मिलता रहूँगा, तो फिर मैं इनको शासक कब बनाऊंगा। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि इनकी इस तरह की हत्याएं ना हो, अत्याचार ना हो, मुकाबले इनके पास जाके। और इसीलिए वो शादी विवाह में भी नहीं जाते थे, जिंदगी भर किसी की शादी में नहीं गए, ये क्योंकि अगर छोटी मोटी खुशियां मनाएंगे तो फिर बड़ी खुशियां कौन मनाएगा। ये एक सैद्धांतिक मामला है जिसको समय समय पे उठाते हैं, लेकिन कई बार जब उस तरह के इम्पोर्टेंट मुद्दे आते हैं जिसपे राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पड़ती है, तो बहुजन समाज पार्टी उस तरह के प्रदर्शन भी करती है। जैसे कि ईवीएम के खिलाफ डीएसपी ने बड़ा आंदोलन किया, और समय समय पे अगर जरूरत पड़ती है तो करते हैं, लेकिन सामान्यतः वो अवॉइड करते हैं। ये एक सैद्धांतिक मामला है।